नाइन्थ क्लास आज हम कर रहे हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 2.3। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और फिर उसके अंदर काफ़ी पार्ट्स हैं, तो इसकी एक ही वीडियो बनाएंगे और हर क्वेश्चन के अंदर हम दो दो क्वेश्चन लेंगे। सो रियल नंबर थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें अब सर्ड्स का यूज़ करेंगे हम। सर्ड्स, अब तक हमने सर्ड्स पढ़ा नहीं है, अब सर्ड्स आएगा। ये सर्ड्स क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए। इसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। मतलब पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर बताइए सर्ड्स का क्या होता है। तो थोड़ा सा इसका पहले बेसिक इंट्रो भी सुन लीजिए। ये अंडर रूट है हमारा, ओके। इस अंडर रूट के अंदर कोई नंबर इधर हो सकता है, कोई भी नंबर, इसे आप रेडिकेंट कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। बट फिलहाल नंबर याद रखिए, एक नंबर होता है रूट के अंदर। कभी कभी रूट के बाहर यहाँ कोई नंबर हो सकता है, ओके। कभी कभी रूट में इधर, ये जो रूट के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ कोई नंबर हो सकता है, ओके। तो ये जो नंबर छोटा सा इधर होता है रूट के अंदर, इसे ही कहते हैं ऑर्डर, ओके। जो रूट के अंदर इधर होता है उसे आप रेडिकेंट कहते हैं, और यहाँ कोई भी नंबर होता है, ये नॉर्मल नंबर, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, यस ऑर नो। तो ये आपको याद रखना है। अब वो पूछ क्या रहा है पहले क्वेश्चन में, ऑर्डर बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रूट 7 है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? 3। तो डायरेक्ट आंसर आएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। कोई सोल्यूशन नहीं करना है, सीधा देख के बताना है कि ऑर्डर 3 है। एक जगह क्वेश्चन है वहाँ बाजू में, 5√12। तो ये 5 रूट के बाहर है, याद रखना है, बाहर ये वैल्यू है। इसलिए मैंने ये बात बताई है कि बच्चे कभी कभी ये नंबर रूट को अंदर लिखने की बजाय ऑर्डर को बाहर लिख देते हैं, बाहर वाले को ऑर्डर समझ लेते हैं। तो बाहर कोई वैल्यू हो सकती है, ऑर्डर इधर होता है, ये रेडिकेंट है। अब यहाँ ऑर्डर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो वो 2 होता है, ओके। रेडिकेंट 12 है, ये नंबर वैल्यू 5 है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता है इसका ऑर्डर 2 होता है, ओके। कुछ भी नहीं मतलब ऑर्डर 2, तो आंसर ऑर्डर 2 आया। बाजू में जल्दी बता दूँ, थर्ड सम में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर की जगह 4, तो ऑर्डर 4 है, उसके बाद कुछ नहीं है तो 2 है, उसके बाद 3 है तो ऑर्डर 3 है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ऑफ सर्ड्स क्या होता है, और इस पूरे को सर्ड्स कहते हैं। ये जो अंडर रूट के कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कोई ऑर्डर होता है, इसे आप सर्ड्स कहते हैं। सर्ड्स के लिए रूट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सर्ड्स भी यहाँ हैंड टू हैंड बता दूँ कि सर्ड्स के लिए रूट के अंदर कुछ होना ज़रूरी है। अगर रूट रिमूव हो जाए किसी रीज़न से, तो वो फिर जो टर्म है, वो जो थिंग है, वो फिर सर्ड्स नहीं है। इसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई। बताओ कौन सर्ड्स हैं इसमें। तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर 3, 51। अब इस 51 का आप फैक्टर बना नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, तो यस ये सर्ड्स है, ओके। बट उसके बाद में लिखा हुआ है √16 ऑर्डर 4। जैसे कि √51 था और मैंने कहा सर्ड्स है, ऐसे ही √16 है, तो ये भी सर्ड्स होना चाहिए ना, ये सर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा मैं सॉल्व कर दूँ। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, यस और नो? और ऑर्डर कितना है? 4, ठीक है, ऑर्डर 4। ये 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, यानी 2 की पावर 4। जब आपकी किसी भी टर्म की पावर और ऑर्डर, ये दोनों नंबर सेम हो, मतलब ऑर्डर भी 4, पावर भी 4, तो ये रूट कैंसिल होता है, आंसर आएगा सिर्फ 2। अब यहाँ 2 आंसर आ रहा है, यानी रूट आ ही नहीं रहा, इसलिए ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड्स है, यस और नो? नॉट अ सर्ड्स है, और यहाँ पर रूट आने वाला है, 51 का फैक्टर नहीं होता, इसलिए वो सर्ड्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स। सर्ड्स दो टाइप के होते हैं, सर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स, ओके, अनलाइक सर्ड्स। अभी लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड क्या है? तो पहला क्वेश्चन आ रहा है √52, अंडर रूट और रूट
13, 5√13, ओके। अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर जो रेडिकेंड होता है आपका, ये दो अलग अलग टर्म है, कॉमा है, अगर रेडिकेंड सेम है तो लाइक्सर्ड है, वरना वो अनलाइक्सर्ड है। बट अगर ये रेडिकेंड सेम नहीं है तो आपको रेडिकेंड सेम बनाने की कोशिश करनी है। अगर रेडिकेंड सेम बनाने के बाद यानी फैक्टर्स लेने के बाद भी वो सेम नहीं आया तो वो अनलाइक है, और अगर ये रेडिकेंड सेम आया तो लाइक है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो 52 का क्या होता है फैक्टर? 52 का फैक्टर होता है 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 13 ज़ा 13, 1 ज़ा। तो रूट 52 क्या होगा? रूट 52 हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 13। यस और नो? पहले आपको फैक्टर्स बनाना आना चाहिए। ऑर्डर कितना है मेंशन नहीं है, मतलब 2 ऑर्डर है तो पेयरिंग कितने की होगी? 2 का पेयर बनेगा। अगर ऑर्डर 2 है तो 2 का पेयर बनेगा, ये 2 बाहर आएंगे सिंगल टाइम, मतलब डबल टाइम है अंदर, बट रूट के बाहर आता है तो सिंगल होता है और रूट के अंदर जाता है तो फिर डबल टाइम मल्टीप्लाई होता है। यानी कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स है और उस 2 टाइम का सेकंड ऑर्डर का मैं पेयर बाहर ले रहा हूँ तो 1 टाइम आएगा, और अगर ऑर्डर 2 है और ये 2 अंदर जाएगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर 3 होगा तो ये 2 अंदर जाके 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ओके, कुछ ओरल बातें काफ़ी आ रही हैं, इस बातों को आपको माइंड में रखना है। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, रूट 52 की जगह लिखूंगा 2√13 कॉमा, और ये आया 5√13। अब बताइए रेडिकेंट सेम है या नहीं है? रूट थर्टीन रेडिकेंट सेम है। सेम नहीं था, आपने बनाने की कोशिश की, वो बन गया। अगर रेडिकेंट सेम आ रहा है तो आप कहेंगे ये लाइक सर्ड्स है, और अगर ये रेडिकेंट सेम नहीं आता तो आप कहते अनलाइक सर्ड्स है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, और लास्ट सम लेते हैं। ये क्या आ रहा है? 5√5। अब ये रूट फाइव तो रूट फाइव रहता है, फैक्टर नहीं बनता, बट 75 का फैक्टर बनता है। क्या बनता है 75 का फैक्टर? 3 × 2 = 3 × 5 = 5 × 5 = 1 तो ये क्या आएगा? 5 का पेयर बाहर और अंदर आएगा रूट 3, मतलब ये 5 का पेयर बाहर आ गया। मैंने कहा ना ऑर्डर 2 है तो पेयरिंग 2 की बनेगी, 5 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर अकेला ये 3 बचा सिर्फ। ओके, तो ये क्या आ रहा है? 5√3 × 5√5, यानी रेडिकेंट सेम, फैक्टर बनाने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल अनलाइक सर्ड्स का है। ओके, नेक्स्ट सम फोर्थ सम है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इजी सिंप्लीफिकेशन वाला है, √27। तो अभी मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया ना, आपको वही काम करना है यहाँ। 27 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो √27 को क्या लिखूँगा मैं? रूट के अंदर 3 × 3 × 3। अब बताओ ऑर्डर कितने का है? कुछ भी नहीं, यानी 2, तो पेयरिंग 2 की होगी सिर्फ। जितना ऑर्डर होता है उतने की पेयरिंग की जाती है, तो ये 3 पेयर होके बाहर आ जाएगा सिंगल। ये सिंप्लीफाई हो गया, मतलब ये 3 बाहर पेयर होके एक आ गया ये वाला, और रूट ये जो 3 है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया बस, और क्या करना है। ओके, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 250, तो इसका भी फैक्टर ऐसे निकालेंगे। ओके, 250 का वो क्या होगा? वो होगा आपका 2 × ओके 5 × 5 × 5। अब कर लेना यही आएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250। ऑर्डर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 2, तो कितने का पेयर बनेगा? सिर्फ ये 2 का पेयर, ये 5 5 के 2 का पेयर बनेगा। 2 का क्यों बनेगा सर? 3 पेयर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ऑर्डर जितना होता है उतनी की पेयरिंग होती है। तो 5 5 दो बार है, इसको बाहर एक बार लिखेंगे, और 5 × 2 = 10 अंदर बचा, दिस इज योर आंसर, सिंप्लीफाई हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंपेयर करना है आपको। कंपेयर का मतलब मैथ्स में होता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, ये साइन ग्रेटर देन का होता है, और ये साइन इक्वल्स टू का होता है। तो मैथ्स में जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं,
लेस देन ग्रेटर देन, तो इसे कहते हैं बाय कंपेयरिंग। तो यहाँ पर 7√2 और 5√13 लिख के बोल रहा है कि बताओ ये ग्रेटर है लेस है। अब एक बात बताइए, अगर कोई डायरेक्ट 7 और 5 करना तो आप बोल देते ना 7 इज ग्रेटर देन 5, बट रूट में कैसे बताएं? तो उसका रूल ये है कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी पैर बन के बाहर आता है, ऐसे जब हार वाला अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, कितनी बार होगा? 2 बार मल्टीप्लाई होगा। वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है। अगर यहाँ ऑर्डर 2 है तो ये 7 अंदर जाके 2 बार मल्टीप्लाई होगा, अगर ऑर्डर 3 होता तो ये 7 अंदर जाके 3 टाइम मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ ऑर्डर 5 होता फॉर एग्जांपल तो ये 5 अंदर जाके 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, बट ऑर्डर 2 है इसलिए ये 7 भी अंदर जाके 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 भी अंदर जाके 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कीजिए, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अब देखिए कोई भी बाहर नहीं है, ऑर्डर भी सेम है और सारे नंबर अंदर आए, अब आप लिखेंगे 98 विदाउट रूट लिखेंगे, 98 इज़ ग्रेटर देन 75। तो अगर 98 ग्रेटर देन 75 है तो 98 आया किससे? 7√2 से, तो आप लिखेंगे 7√2 इज़ ग्रेटर देन 5√3, दिस इज़ योर आंसर। भाई पहले मैं अंदर लेके गया और ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो 98 इज़ ग्रेटर देन 75, तो 98 किससे आया था? 7√2 से, तो लिखेंगे 7√2 इज़ ग्रेटर देन 5√3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा डिफरेंट सा है, एक रूट है एक रूट नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के ले रहा हूँ। क्या रूल है? 5 अंदर जाएगा तो 3 ऑलरेडी अंदर था, 5 अंदर जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। वाई 2 टाइम्स जाएगा क्योंकि ऑर्डर 2 है। अब मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो ये माइंड में आना चाहिए ना। ओके चलिए, तो ये कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और 9। अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये तो रूट के अंदर है लेकिन ये रूट के अंदर नहीं है, तो यहाँ दोनों रूट में थे तो मैंने 98 और 75 को बता दिया था ग्रेटर देन लेस देन, बट यहाँ 9 है और यहाँ नहीं है, तो अगर यहाँ रूट नहीं है तो आपको रूट बनाना है। बताइए कैसे आप 9 को रूट में लिख सकते हैं? ओके, रूट किसका 9 होता है? 81। मतलब आप रूट 81 9 लिखते हैं मैथ्स में, आपको याद होता है, तो यहाँ उल्टा करना था, यहाँ 9 को रूट में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। रूट 4 को आप लिखते हैं 2, बट 2 को अगर रूट में लिखना है तो क्या लिखूंगा? रूट 4 ना, ऐसे रूट 81 9 होता है, तो 9 को अगर रूट में लिखना है, ओके, तो 9 किसका रूट होता है? 81 का, तो यहाँ रूट 81 आएगा। अब बताइए 75 क्या है? लेस देन 81, दिस 75 इज लेस देन 81, भी लेस देन होता है ना, लेस देन साइन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ग्रेटर देन ये लेस देन ये ग्रेटर देन। ओके, तो 75 किससे आया था? 5√3 से, तो 75 की जगह आएगा 5√3 लेस देन 9, दिस इज योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सम फिर आ रहा है आपको, नेक्स्ट सम आपको आ रहा है सिंप्लीफाई, बट ये सिंप्लीफाई सिंगल नहीं है, रूट एक दो तीन रूट की चीज़ें साथ में प्लस माइनस करके करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई, 5√3 प्लस 8√3, कोई नहीं, ये √3 लाइक सर्ड्स हैं, ये √3 कॉमन आएगा बाहर, तो 5 + 8√3 बाहर, ठीक है ना। मैथ्स में एक चीज़ होती है बेसिक, उसे कहते हैं टेकिंग कॉमन, कॉमन निकालना आना चाहिए आपको। अगर नहीं आता है 6th 7th की क्लास का, आपको टेकिंग कॉमन नहीं आता है तो 9th में प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, नहीं आता ना मुझे बोलिए, मैं चाहूँ तो आपको इसी तरह से YouTube के लिए भी बेसिक टेकिंग कॉमन और इस टाइप की बेसिक की वीडियो बना के सबके लिए डाल सकता हूँ, अदरवाइज WhatsApp करें, मैं आपके लिए WhatsApp से जो हम डाउट्स आप लोग के कराते हैं उसमें टेकिंग कॉमन का कॉन्सेप्ट ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 9th का मैथ्स करते रहें और टेकिंग कॉमन नहीं आता और ऐसी गाड़ी बढ़ती रहे तो ये बहुत डेंजरस है, आपको मैथ्स नहीं आएगा। ओके, तो ये लाइक सर्ट था, अगर नहीं था तो लाइक सर्ट बनाना पड़ेगा, और अगर लाइक सर्ट था तो बस √3 कॉमन बाहर, 5 बचा 8 बचा, 5 और 8 13, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। अब एक सम ऐसा लेते हैं जिसमें लाइक सर्ट नहीं है, तो वहाँ आपको लाइक सर्ट बनाना होगा,
जैसे बाजू में ही हमें सेकेंड सम वही ले लेते हैं, आई होप सो स्पेस में आ जाएगा। ओके क्या लिखा है, 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। देखो ये √5 लाइक सर्ड है लेकिन 125 लाइक सर्ड नहीं है, तो इसका फैक्टर बना लेना जिस तरह हम बनाते हैं। तो ये आएगा 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5। भाई कई बार मैंने आपको कितने क्वेश्चंस में ये दिखा दिया, चलो दिखाई देता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। 125 फाइव, 25 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 3 टाइम आ रहा है, दो का पैर बाहर क्योंकि ऑर्डर 2 है, √5। अब ये बन गया ना लाइक सर्ड, ये भी √5, ये भी √5, ये भी √5, इसे आप लाइक सर्ड भी कहते हैं और सिमिलर सर्ड्स भी कहते हैं। नाउ √5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 9 माइनस 4 प्लस 5 और √5 कॉमन बाहर आ गया। यस सर भाई, 9 माइनस 4 प्लस 5 √5 बाहर। अब थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन मैं यही करूँगा इसे। 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 में से 4 गया 10, √5 ऐसे रहेगा, दिस इज योर आंसर। ओके तो वीडियो देखते ही मत सोचना आया नहीं आया, आराम से इसको आप नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर डिफरेंट सम को ट्राई करेंगे। ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, मैं सबके ले रहा हूँ दो दो पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करना है अंडर रूट वाले, तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। 3 रूट 12 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब ये फैक्टर बनाना आना चाहिए, ये रफली आप बना लेना, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं बनाऊँ। ओके और 18 क्या होता है, 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसके फैक्टर बनाओ, ऑर्डर कितना है 2, तो पेयर बनेगा इसका, ऑर्डर कितना है 2, तो पेयर बनेगा इसका। तो ये दो दो पेयर बाहर आए, 3 ऑलरेडी बाहर था पहले से, अब ये दो दो जो दो बार थे बाहर आके एक बार आएगा √3 अकेला अंदर, ये 3 3 का पेयर बाहर आएगा √2 अकेला अंदर। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 ज़ा 6, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर। ओके अब शायद इस सम का पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ और आ रहा है। ओके आपको कभी भी मैथ्स का कोई आप सम करते हैं तो आपको पीछे आंसर चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर पीछे शायद 54 लिखा हुआ है जो मिसप्रिंट है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आप भी आराम से क्रॉस चेक करें कि 54 आ रहा है या 18 √6 आ रहा है। ओके फिर देख लेंगे अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको, लेकिन शायद पीछे आंसर रॉन्ग है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में डिवाइड आ रहा है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे होगा, 98 रूट डिवाइड रूट। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ दो अलग रूट को एक साथ लिया है ऐसे यहाँ पर भी दो रूट को एक साथ ले लेंगे, 98 डिवाइड बाई 2, एक रूट के अंदर ले लेंगे दोनों को, बस क्या रहा है इसे कैंसिल करिए। ओके तो ये क्या आएगा, √49, √49 क्या होता है 7, 7 इज योर आंसर। ओके डिवाइड मल्टीप्लाई में मैंने एक ही बताया चलेगा, चलो बाकी सब सेम सिमिलर है, ठीक है। डिवाइड में एक और कर लेते हैं, थर्ड वाला √54 डिवाइड √27, तो इसमें भी वही करेंगे, 54 और 27 को एक रूट में ले लीजिए। ओके अब ये किसके टेबल में आता है, 9, 9 3 ज़ा और 9 6 ज़ा, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, सब कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, ओनली √2, दिस इज योर आंसर। नाउ अब हमारे लास्ट सम है रैशनलाइज, रैशनलाइज इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको लाइफ टाइम रैशनलाइजेशन आता रहेगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। फिलहाल रैशनलाइज का ये मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो इसी रूट पूरे टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है और रूट जब ही रिमूव होता है जब रूट अपने ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए जानबूझ के लिख भी सकते हैं आप ऐसे, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय रूट फाइव, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है रूट में उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा, थ्री इंटू रूट फाइव, थ्री रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, फाइव, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो गया ना, दिस इज योर आंसर, रैशनलाइज हो गया, अगर रिमूव हो गया मतलब रैशनलाइज हो गया। चलिए एक और लेते हैं, सिक्स अपॉन नाइन रूट थ्री, ये क्वेश्चन आप चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो अभी, चाहे बाद में कर लो, नो प्रॉब्लम। अब बताओ डिनोमिनेटर में कौन है, रूट थ्री, और आपको रैशनलाइज में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना होता है, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, कंप्लीट डिनोमिनेटर नहीं, कंप्लीट डिनोमिनेटर लोगे तो भी घूम फिर के आंसर आना है सिर्फ रूट वाले को, तो भी क्या आएगा, सिक्स रूट थ्री, सिक्स इंटू रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री, और यह आएगा नाइन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ओनली थ्री, तो थ्री वन जा थ्री टू जा, तो टू अपॉन नाइन रूट थ्री इज द आंसर, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो गया, दिस इज ऑन, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.3 एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ एल्जेब्रा, जिसमें नाइन क्वेश्चंस थे, मैंने सबके दो दो पार्ट लेने की कोशिश की है और आप तक एक मेथड को पहुंचाया है, बीच में मैंने बहुत सारी बातें बेसिक की हैं, फाउंडेशन की है, ट्रिक्स की हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, प्रैक्टिस करनी है। अब कोई एक डॉट भी डाउट हो तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.3 एक्सरसाइज, थैंक यू।